Dobby! Yeah, the bad girl! इसके उसमें नहीं वो लगना चाहिए जब ये आएगी ना, द बैड गर्ल टॉबी द बैड गर्ल। ओ भाई ये देखो क्या मौसम है, अभी आई थी तगड़ी वाली वो क्या आधी तूफान। ओ भाई क्या सेक्सी लग रहा है मौसम आज, ये देखो पूरा आसमान काला है और इधर से धूप आ रही है, इधर इधर सूरज है, बाकी पूरा आसमान काला है और नीचे धूप है। देखो दिस इज लुकिंग सेक्सी बडी। हाय 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 क्या मौसम है ब्रो। तो वो छाया धूप आने वाली है, मतलब धूप जाने वाली है, छाया दोबारा जाने वाली है, सेक्सी हो रहा है मौसम। गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलेगा, थोड़ा बहुत राहत मिलेगा हम लोगों को गर्मी से। देखो भाई ऐसे हसीन मौसम में तुम्हें क्या चाहिए होता है, मुझे एक ही चीज़ चाहिए होती है, जैसे मुझे हर मौसम में चाहिए होती है भाई, चाहे धूप हो गर्मी हो ठंडा हो बारिश हो। बारिश हो तो मज़ा आ जाता है, ठंडा हो तो बहुत मज़ा आ जाता है, गर्मी में भी चल जाती है चीज़। मेरी फेवरेट चीज़ है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, चाय। ये मैंने रखी ज़्यादा थी पर ये घुट घुट के कम हो गई, मेरे को घोटी हुई चाय बहुत पसंद है, मतलब उसको ज़्यादा उबाल दो ना, चार पाँच उबाल तो मस्त ही हो जाती है, और ये बहुत मीठी हो रही होगी, हो रही है मैंने वीडियो करी, बहुत ज़्यादा मीठी हो रही है भाई, ये नीली नहीं जाएगी ऐसी हो रही है। ठीक है सेक्सी सा मौसम हो रहा है, चाय बना रहे हैं, चाय बना मैं खुद बनाई चाय। और बाहर मौसम देखो ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिखाता हूँ सेक्सी मौसम। धूप आई थी, धूप चले गई है, आधी तूफान चल रहा है और आधी तूफान के साथ मुझे छींक आने वाली है भाई, कितना गंदी चीज़ होती है ना जो छींक आने वाली होती है, एकदम से रुक जाओ अभी छींक भी रुक जाती है तो मूड खराब हो जाता है। मेरे ब्लॉग बनाने का मन था नहीं वाला, ठीक है तो इस ब्लॉग को हम देखेंगे कि ये आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी व्यूज़ नहीं आया, बहुत कम व्यूज़ बहुत कमा रहे हैं भाई, क्या हो रहा है मजा नहीं आ रही है मेरे ब्लॉग्स में, इंटरेस्टिंग नहीं हूँ क्या मैं, ऐसे ऐसे क्या बैली डांस करके दिखाऊँ तुम्हें, मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे बोल दो तो मैं करके दिखा दूँगा बैली डांस की। आई कैन डू एनी थिंग तुम्हारे लिए सब कुछ, फॉर यू आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू बेबी, जो बोलोगे वो हो जाएगा भाई। पर इससे पहले आएगी ड्रेड लॉक वाली वीडियो, वरना एक बंदा मुझे भी जस्ट पता नाम याद नहीं आ रहा, मैं तुम्हें देख के बताऊँगा, क्योंकि जब ड्रेड लॉक वाली वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं भाई के नाम से शुरू करूँगा कि ब्रो ये स्पेशली, और वो वीडियो पता है जो कल वीडियो आएगी वो स्पेशली ब्रो सीख लोगी भाई, वो इतनी वीडियो से बोल चुका है ना, और अगर आप मैंने उसके लिए वीडियो नहीं बनाई ना ड्रेड लॉक वाली तो वही से हमने समझा चुकू ये साले तीन से कह रहा हूँ बना ना पैस क्या साले तेरे अलग भाव चढ़। नहीं ब्रो मैं तुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करूँ, बहुत बुरा हाल है ना, इंटरनेट चल रहा है मेरा, इंटरनेट चल रहा है बड़ी मुश्किल से चल रहा है और ऐसे ही हो रहा है, पर बना नहीं वाला हूँ मैं चाय इंजॉय करता हूँ। इधर जब मैं बताया मीनू बेबी, ओह मीनू बेबी हमेशा मेरे साथ रहती है, मीनू बोले मीनू याद है ये पता है कैमरे के अलावा हर जगह देखती है ऐसे कैमरे में नहीं देखती है बस, मीनू याद है मैं इसका एंगल सेट करके भी रखता हूँ ना ये तब भी मुंडी घुमा देगी। तो चाय पी के मिलते हैं, देखते हैं इस ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग था, मैं पता है मम्मी से मैं बात करा रहा हूँ मम्मी के बाद मेरे पास मस्त ही बात है, मैं सोचा था भी रिकॉर्ड कर लूँ पर हमारी भी बात चली थी, एक तो होता था क्या कहते फिर कैमरे में उसको दोबारा से एक्ट करने में उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अभी जो हमारी मम्मी की बात चली थी ना मस्त भी आ रहा है, इतनी हंसी आ गई ना मुझे अभी, तो पता भाई मम्मी से बात कराऊंगा फिर बाद में, अभी सो गई है मम्मी आराम करी क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी तबीयत खराब है, सब्जी भी खाऊँ मेरे को भी है, मेरे को छींक आ रही है कभी कभी ना खा जा रही है हल्की फुल्की, मतलब ऐसे वो बहुत ज़्यादा नहीं बह रही है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और हाँ भाई पैरासीटामोल की गोलियाँ खा लो, ऐसा मतलब सारी मत खा लेना जब बुखार है तो, और सर्दी जुकाम हो रहा है तो विक्स एक्शन 500 तो दो चार टेबलेट्स ला के घर पर रख दो नॉर्मल चीज़ों की, जैसे बुखार हो गया, बदन दर्द हो गया, सर दर्द हो गया, सर्दी जुकाम हो गया,
तो कुछ भी दिक्कत हो तो खा लेना और अपना ध्यान देना यार, मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा पानी मत पीना, मैं भी नहीं पी रहा हूँ, दही मत खाना, मैं भी नहीं खा रहा हूँ, हल्का खाना खाना। आज हमने भिदड़ी खाई है, भिदड़ी मीन्स जो चावल की पतली सी खिचड़ी होती है, वो पानी वाली सी खिचड़ी सी पतली सी, वो खाई है। हल्का खाना चल रहा है आजकल, मैं खुद से, मैं मेरी खुद की तरफ खाऊँ, मैं प्रेफर करता हूँ मैं हल्का खाना खाऊँ, मतलब मैं ऐसा वाला बंदा नहीं हूँ कि किसी को मेरे को फोर्स करना पड़ेगा कि भाई तू अपना ध्यान दे, ये चीज़ें मत खा या ये चीज़ें खा, मैं खुद ही अपना एडजस्ट कर लेता है भाई, मैं ध्यान दे देता हूँ, मैं खुद ही मतलब पानी पीना बंद, ठंडा और ये चीज़ें खूब कट ऑफ कर लेता हूँ, हल्का खाना सूख शुरू करता हूँ, वो मिलते हैं, मैं चाय पीता हूँ ठंडी हो जाएगी। पहले आ जा, हाँ ठीक है, हाँ तो बस बस बस, हाँ तो सबसे पहले भाई अपना डायलॉग बोल देते हैं, मैं बोला नहीं, मैं भूल गया था, मैं एक दो वीडियो से बोला नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब लोग सही हो गए, मजे में हो गए, तभी तो वीडियो देख रहे हो गए। और अपना और अपने परिवार का ध्यान देना इस कोविड की सिचुएशन के लिए, और मैं दुआ करता हूँ कि यह सब सही हो जाए, तुम भी करो यार, सब करो। और ये हमारा डॉबी, इसको खोलते ही बस शैतानी सू डॉबी, सॉरी गंदम, इधर आ जा, वॉक पे जाएंगे, आ जा जल्दी जल्दी जल्दी, ये देख पैकेट को लेके सामने आ जा, ये तुम्हें डॉबी दिखाना था, मैंने बहुत दिनों से दिखाया नहीं था। अरे शैतान, बहुत ज़्यादा शैतान है यार ये, चुल बुलवा, इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, अब सही है। ये देखो ये है कुछ इसके हाल, बैड बॉय, बैड गर्ल है वैसे, ये सूसू कर रही है सूसू। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे बारिश हो गई, बारिश ख़त्म, धूप भी आ गई, तब मस्त मौसम हो रहा है। और एक बात बताई तुम्हें, मैं बताया बहुत समझदार होने लगा, मेरी ऐसे बुद्धि बढ़, क्या क्या अजीब सा लग रहा होगा ना कहते हुए, तो कोई ऐसे कहते मैं समझदार हो रहा हूँ, तो समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे ये बताया, यहाँ से ना एक दांत आ रहा है, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो दांत आ रहा है, वो उधर दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि दांत आ रहा है करके, मैं बोली बुद्धि का, दिमाग का दांत आ रहा है, तो वही कहना चाह रहा था मैं, इंटेलिजेंट मतलब बढ़ने वाली है बुद्धि कुछ नहीं ऐसा, वो तो बड़ी हमारी बुद्धि। अयो यार कैमरा बड़ा भारी होता है मुझे, और अभी ये तो हल्का सा है, कैनन 200D है मेरे पे भाई, सोनी का अल्फा एक कुछ है यार, वो तगड़ा लगता है भाई यार, सोनी अल्फा कुछ है, सेक्सी पीस है ब्रो, इतना प्यारा कैमरा है ना, क्या बताएं, बहुत तगड़ा। इससे बॉय शी, ये गर्ल है यार, ये बॉय बॉय डॉबी, इसका नाम मेरे को डॉबी नहीं रखना चाहिए था ऐसे डॉबी नहीं, कोई नाम होता नहीं है, बट ऐसा कोई नाम जिसको शूट करे, डॉबी इसको नाम सही लगता है, डॉबी ए डॉबी बैड गर्ल, बस देखा ये कितनी बैड गर्ल है, आजा नहीं आती है, देखो डॉबी अभी जो भी ये हमारे खेतों तक जब तक घूमे ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मज़ा आता है मुझे कि भैया सही है, क्योंकि इनकी ब्रीड होती है भाई, इनको चाहिए एक्टिवनेस, इन्हें थोड़ा सा खुला मैदान चाहिए, दौड़ भाग चाहिए, इन्हें खेलने को चाहिए, मैं भी खेलता हूँ उसके साथ बहुत ज़्यादा, पर जब ये इधर से उधर से उधर करके वो दूसरों के खेतों में जाता है ना, याला और याला खेत हमारा है, इससे ऊपर को हमारा नहीं है, तो ये उधर चले जाता है, उनके घर पर चले जाता है, हमारे पड़ोसियों में यहाँ पॉटी कर रहा है, पॉटी करते हुए दिखाऊँ तुम्हें। हाँ तो ये हमारी माता जी, वैसे मैंने दिन के में बोला था, अरे मम्मी बता मैं सुबह क्या कर रहा था, जब मैं सोया था क्या हंस रहा था, क्या कर रहा था, आप बता रहा, अच्छे से बता ना कैसे हंस रहा था दे दे दे। अब कैसे हंसते हंस रहा था, मैंने कहा क्या किसी फोन आया तो मैं बताऊँ क्या हुआ, सुबह अराउंड बजे थे उस टाइम, आठ या सात बजे का टाइम होगा आई थिंक समथिंग, तो मैं सपना देख रहा था और मैं सपने में हंस रहा था, मतलब मैं अच्छा हंस रहा था, सोते सोते हंस रहा था, तो मम्मी आई, मम्मी कह रही क्या हुआ, मैं हंस रहा था, मम्मी कह रही क्या हुआ, किससे बात कर रहा है, फ़ोन ऑन साइड में पड़ा है, चार्जिंग में लगा था, मम्मी कह रही है, तो हंस करा फिर मैं सो गया, मैं सुबह मतलब फिर मैं उठा सुबह, मतलब मेरी सुबह थोड़ी देर होती है, मैं 8-9 बजे के टाइम पर सब उठा, मम्मी कह तो हंस क्यों रहा था, मैं मुझे क्या पता भाई, मैं तो सपने में हंस रहा था, और मैं हंस हकीकत में, जैसे वो वाला सपना होता है कि तुम सूसू कर रहे हो और तुम हक ऐसे पैंट में सूसू कर देते हो, तो वैसे ही मैं सपने में हंस रहा था, लेकिन उससे पहले जो मुझे सपना आया था रात को वो बहुत गंदा आया था, आई थिंक उस टाइम पर रो भी रहूँगा, बट जो वो मैं इतना लंबा सोता हूँ ना भाई,
मतलब मैं दो सपने देख देता हूँ, एक होता है कि मैं रात का सपना देखता हूँ जो ये सभी देखते हैं सुबह 4-5 बजे तक का, और एक उसके बाद भी जो सोता हूँ ना एक सपना और देख लेता हूँ मैं। तो ये होता है ज़्यादा सोने का फ़ायदा कि तुम दो सपने देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारे अमरूद का पेड़, ओ भाई ये सबसे प्यारा अमरूद का पेड़ है मेरे घर पर, ठीक है। मेरे घर पर बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें। ठीक है, ये दो तीन मेरे घर पे 3 अमरूद के पेड़ हैं, ठीक है। और ये वाला अमरूद का पेड़ सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें सबसे प्यारे अमरूद आते हैं, 12 मास आते हैं, मीन्स 12 महीने, 12 के 12, मतलब गर्मी सर्दी बारिश हर मौसम में होता है, ये पर्टिकुलर एक मौसम में नहीं होता है, ये हर मौसम में होता है। और इसकी सबसे प्यारी बात क्या है कि इसमें 2-3 तरीके के अमरूद आते हैं, एक टाइम पे जैसे आता है, एक सीज़न पे आएगा छोटा अमरूद, ठीक है। वो छोटा अमरूद कैसा होगा कि इतना छोटा भी है तो तुम उसे डायरेक्टली तोड़ के खा सकते हो, तो मैं जब इधर उधर जा रहा होता हूँ तो मैं वो बहुत खाता हूँ, ठीक है। और फिर एक आता है, एक सीज़न में आता है थोड़ा बड़ा अमरूद कि उसमें वो बड़ा होता है, उसके बाद ही पकेगा फिर तुम खाओगे। तो ये मल्टीपल तरीके के अमरूद आते हैं उसमें, बस लगता है मुझे भाई। यार मैं क्या सोच रहा हूँ ना भाई, ड्रेडलॉक की वीडियो के लिए बोल रहा है, और मैंने बोला था कि मैं ड्रेडलॉक कटा दूंगा पहले, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो रही थी मुझे ड्रेडलॉक कटवाने पड़ सकते थे, ठीक है। मूड नहीं था, बिल्कुल प्यार था ड्रेडलॉक से, बट अभी क्या है ना मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मेरे ड्रेड से, देखो मतलब ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं हो गया हूँ, बट थोड़ा बहुत हो गया हूँ, बट अब मन है मेरा कटवाने का और सेविंग करने का भी, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल हो गया, पर मैं कर नहीं सकता, तुम्हें पता है मैं सेविंग करके फिर कैसा लगता हूँ मुझे बहुत गंदा लगता है सेविंग। भाई आधे से ज़्यादा लड़कों का यही हाल है कि वो सेविंग, जैसे थोड़े बहुत भी बाल हो गए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत सारी दाढ़ी है मेरी, बट थोड़े बहुत भी हो गए ना उसके बाद तुम सेविंग नहीं कर सकते तो तुम बहुत अजीब से लगते हो, मैंने यू अंडरस्टैंड क्या कहना चाहते, समझ रहे हो तुम। तो यही है यार, व्लॉग को भी यहीं पर रखेंगे हम, बस छोटे छोटे व्लॉग बना रहे क्योंकि लाइफ में कुछ है नहीं करने को, तो जो चीज़ें हो रही है ना वही चीज़ें मैं कर दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, और दिखाऊँ हमारे डॉबी किधर है। देखा मैंने बोला था ना, ये जब तक हमारे खेतों में रहना तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी उधर चाचा उनके खेत में घूम रहा है, अब भी ठीक है, अभी उधर फसल नहीं लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जब बड़ा होगा वहाँ कुछ फसल होगी तो दिक्कत है। डॉबी ये द बैड गर्ल, इसके उसमें नहीं को लगना चाहिए जब ये आएगी ना, द बैड गर्ल टॉबी द बैड गर्ल। तो यही था ब्रो आज के ब्लॉग के लिए, तो मिलते हैं बाद में। नहीं 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 काटता, ओ भयंकर इतनी जोर से टकराया ना, ये लगी होगी उसके।